सांझ न्यूज देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं रंजना शर्मा। फगवाड़ा तो खबर सामने आ रही है जिथे की बीती दिनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विच काफी ज्यादा हंगामा हुंदा है। बच्चों के वालों वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए जाते हैं। तो तुम दस दें एक नौजवान जिहड़ा होस्टल दे विच कमरे नू विच खुद नू बंद करके जिहड़ा खुदकुशी कर लैंदा। मामला काफी ज्यादा भखदा होया नजर आंदा है। तो इस मामले दे विच जिहड़ा हुण एक नवा अपडेट सामने आया है। बीते दिनों की गल कर लईए तो लाठीचार्ज भी किया जाता है। पुलिस दे वल्लों यूनिवर्सिटी दे विच मौजूद बच्चे जद नारे लगाते हैं तो उन्हां उत्ते लाठीचार्ज किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुंदा है। लेकिन इस बच्चे वालों क्यों खुदकुशी की गई, अपनी जीवन लीला समाप्त की गई, पहला वड्डा सवाल बन के खड़ा होया सी। जिस तों बाद सुसाइड नोट बरामद हुंदा है तो जिस दे विच एक प्रोफेसर नूं जिम्मेवार ठहराया जाता है। तो मौके पर माँ प्यो भी पहुँचते हैं। इस मामले की जानकारी जब मिलती है तो केरला तो बच्चा केरला का रहने वाला सी, लवली प्रोफेसनल यूनिवर्सिटी के अपनी पढ़ाई कर रहा हुंदा है। तो माँ प्यो जब पहुँचते हैं तो पिता के वालों बयान दिता जाता है कि प्रोफेसर उपर कार्रवाई जी करवाई जाएगी। नाल ही उन्होंने वालों कहा जाता है कि अजिही कोई गल सांझी नहीं की गई सी बच्चे के वालों कि वह कोई तंग परेशान हो। एक वड्डा हुण अपडेट सामने आया है। इस मामले के वड्डे खुलासे हुए हैं क्योंकि DIG के वालों जिहड़ा फगवाड़ा के नगर निगम हाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, पत्रकारों के नाल गलबात की गई है। तो तुम दस दें पत्रकारों के वालों जब सवाल पूछे जाते हैं कि जेकर बच्चे के वालों सुसाइड की जाती है तो इस ही कहा जाता है कि जेकर कोई जो निजी मामला सी तो बाकी कॉलेज के बच्चे बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे वी वॉन्ट जस्टिस के नारे क्यों लगा रहे थे, उन्होंने वालों जी है धरना क्यों लगाया गया सी। तो इस मामले के DIG की जवाब देंगे ने ते नाली नाल होर की वड्डे खुलासे करते हैं। जांच पड़ताल नू लेके तुहानू सुनावांगे। तो ये डॉक्टर ने कहा कि जब डेड बॉडी लेके वो पहले ही मर चुका था, पहले डेड क्लियर कर दिया था जो सिविल हॉस्पिटल में जो डेड बॉडी जमा करानी होती है, जब उस बॉडी को पहले अपने हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद यहाँ लेकर द फर्स्ट प्रोटोकॉल इज व्हेनेवर यू फाइंड सच अ केस जी वी टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल जी फॉर गिविंग फर्स्ट एड। आवर पर्पस द मोटिव ऑफ द अथॉरिटीज जो भी वहाँ पे हो उनका पर्पस होता है कि उसकी लाइफ को बचाया जाए। और उसके बाद व्हेन दे फाइंड दैट देयर इज नथिंग इन इट देन द बॉडी इज ट्रांसफर। सर तुसी दस्सा जी तीन नोट मिले उसे मौके पे कमरे पे, सर एक तो ये हो गया सर सुसाइड नोट, बाकी दो नोट की सी सर? वो सारा इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वी विल शेयर विद यू। वो जो सर ये देखता है इसकी चैलेंज थोड़ा मुझे दूसरे ने मनाया नौ अगर यार तू नोट सारे निकले and he blames this professor. No, sir, sir, one question please. Sir, if LPU has nothing to do with the suicide, why there was a protest around midnight last night? Listen, I'm telling you very clearly. I'm not giving a clean sheet to anybody. I'm just narrating the brief facts of the case. Was there a mild lathi charge by police last night? I don't think there was a lathi charge. There was a video, sir, students were there, and the students ने कहा है कि उनको रात को 10 बजे लड़के का पता चला कि उसने सुसाइड किया है, उससे पहले जो मैनेजमेंट ने ये बात दबाकर रखी हुई थी जिसके बाद ये हंगामा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, हम इस पूरी चीज की तहकीकात कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स व्हिच हैव कम टू लाइट। वी आर नॉट हियर टू डिफेंड एनीबॉडी, वी आर नॉट हियर टू चार्ज एनीबॉडी। Sir, the grounds of the protesting students was that a suicide by a girl was committed 10 days ago on September 11. It was hushed up. That was the main grounds of the students. Kajal was the name of the girl. Not reported to police. Sorry, I don't know the details. That's why there was a
Postmortem is being conducted by a group of doctors, not by one doctor. And the sole purpose is to come to know if there were some other injuries. I'm not denying anything. I'm only telling you a case has been registered. It will be investigated. And the role of each and every agency, each and every person will be examined. The name of the person who committed suicide, the boy, is Agin S. Dilip. Can you please spell it? AGINSDILEP. He belongs to Kerala. DILEP? Yes. And father, sir? And his father is Mr. Dilip. S. Dilip. Yeah. Sir, mode of suicide? Pata laga? Mode of suicide? फगवाड़ा दे विच आशु दी हट्टी दा खुला चैलेंज जिथो तुहानू मिलणगे शहर विच सब तो सस्ते रेट ते सूट लहंगे साड़ियां ते प्लाजो आशु दी हट्टी दा एक ही वादा तुहानू मिलणगे वधिया क्वालिटी दे कपड़े पर रेट नहीं होवेगा ज्यादा एक बार विजिट जरूर करो आशु दी हट्टी ऑपोजिट बस स्टैंड फगवाड़ा